हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नया वीडियो के साथ आपको बहुत स्वागत करती हूँ मेरी अपने चैनल ओडिशा स्टाइल पे। तो दोस्तों, आज एक फिर से एक स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम का मैं रिव्यू करूँगी, जिसका नाम है एनशाइन क्रीम। तो दोस्तों, एनशाइन क्रीम एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड क्रीम है, क्रुएलिटी फ्री है, पूरी तरह इसका वीगन है। तो इसमें इसका जो क्वांटिटी है 15 ग्राम के क्वांटिटी में आता है, इसका जो प्राइस है 150 रुपीज़। तो दोस्तों, इसका मतलब इसका इतना कम प्राइस है, इसका मतलब नहीं है कि ये अच्छा क्रीम नहीं है। तो नहीं दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, बहुत नेचुरल एंड केमिकल इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। और जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो स्किन ब्राइटनिंग और स्किन लाइटनिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, उसका अलग से सीरम भी आता है, आप वो सीरम आप घर पर यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कॉजिक एसिड और विटामिन सी। तो कॉजिक एसिड सीरम भी आप यूज़ करते होंगे, विटामिन सी सीरम तो हर कोई यूज़ करता है, चाहे किस फॉर्म में हो, सीरम हो, सोप हो, क्रीम हो, कुछ भी फॉर्म में आप इसको यूज़ करते होंगे, क्योंकि विटामिन सी जो है काफ़ी इफेक्टिव होता है डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने के लिए, पिगमेंटेशन और ब्लेमिश को रिड्यूस करने के लिए विटामिन सी काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो कॉजिक एसिड जो होता है वो भी एक बहुत अच्छा केमिकल है। कॉजिक एसिड का काम होता है हमारे अंदर तक, स्किन के अंदर तक जाके जो मेलानिन प्रोडक्शन को रोकता है, साथ ही साथ पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस जैसा स्किन प्रॉब्लम को वो क्योर करता है। इसके अलावा इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के यूज़ हुआ है, ग्लाइकोलिक एसिड है, इसमें टर्मरिक है, ग्लिसरीन है। तो दोस्तों, टर्मरिक, ग्लिसरीन, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छा है। एलोवेरा काफ़ी हमारे स्किन को ठंडक पहुंचाता है। अगर आपके स्किन में कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ हो, उसके लिए एलोवेरा काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो हमारी स्किन को ये अच्छे से ठंडक पहुँचाता है, टर्मरिक स्किन टोन को लाइटन करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो ये हमारे स्किन में किस तरह का रिजल्ट देता है दोस्तों, ये डल स्किन को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, डिसकलरेशन को ट्रीट करता है, डार्क स्पॉट को ठीक करता है, हमारे स्किन मॉइस्चर को ये मेंटेन करके रखता है, स्किन को सॉफ्ट एंड सपल करता है। हाँ, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन पे भी ये काम करता है, पर फ्रेकल्स पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसका जो मेन काम है वो डार्क स्पॉट को और डिसकलरेशन जैसे प्रॉब्लम को ये पूरी तरह से क्योर करता है। तो इसको लगाने का तरीका इसमें मेंशन है कि दिन में 2 बार आप यूज़ कर सकते हो, सुबह और शाम। पर सुबह नहीं यूज़ करना, अगर बाहर जाते हो तो कभी मत यूज़ कीजिए, अगर घर पे रहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर नाइट में ज़रूर यूज़ करें इसको, क्योंकि मेडिकेटेड क्रीम हमेशा नाइट में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉजिक एसिड ऐसे केमिकल होता है जो कि जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर में आके हमको हम सबको सन वन जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए नाइट में ये सब क्रीम लगाएं, और सुबह उठ के जैसे आपका स्किन केयर रूटीन होता है उसको आप फॉलो कीजिए, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सब फॉलो अप कीजिए। तो बहुत अच्छा क्रीम है, इसको आप कम से कम 2 से 3 महीना कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, जो भी केमिकल यूज़ हुआ है वो स्किन सेफ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।